भोले नंद के लाला की जय, श्री राधा रानी की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो हमारे यहाँ अब जो महीना चलता है ये फागुन का महीना है, और फागुन के महीने में हमारे यहाँ होली उत्सव प्रारंभ हो जाता है। होली उत्सव किस दिन से प्रारंभ होता है हमारे यहाँ? बसंत पंचमी से, जो अभी 16 तारीख से होली हमारे यहाँ ब्रज में प्रारंभ हो जाती है और 40 दिन चलती है ब्रज के अंदर में। होली का जो महत्व है, सबसे बड़ा महत्व है ब्रज के अंदर में, जो बसंत पंचमी से ही स्टार्ट हो जाती है। एक डाणा घड़ जाता है, ब्रज की भाषा में बोलते हैं डाणा घड़ना मूल रूप से। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा गुलाल, भगवान कृष्ण को पूरे परिवार को कलर लगाया जाता है, जो ठाकुर जी की जो प्रसिद्ध होली है। आपने सुना होगा, टीवियों में देखा होगा, जो हमारे जो होली है लठमार होली बोला जाता है। कहते हैं जो रंग बरस रहे हो नंदगाम बरसाने, वो रंग तीन लोक में नाए। जैसा कलर हमारे नंदगांव बरसाना में चलता है, ऐसा कलर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है जैसा हमारे नंदगांव और बरसाने में है। जो ब्रज का रज है और ब्रज की जो होली है, सबसे प्रसिद्ध होली है, जिसको लठमार होली किया जाता है। जो हमारे यहाँ फागुन सुदी में तिथि नौमी और दसवीं को मनाई जाती है। होली का सबसे बड़ा पर्व है हमारे यहाँ नंदगांव बरसाने में। पहले हमारे यहाँ लड्डू होली होती है बरसाना में, जो अब की बार 22 तारीख को बरसाना में लड्डू होली मनाई जाएगी। फिर उसके बाद बरसाना से एक निमंत्रण पत्र आता है भगवान कृष्ण के लिए होली खेलने के लिए। सब गोपी आती हैं बरसाने से, वृंदावन से आती हैं सखी भाव में। वो भगवान कृष्ण को अबीर गुलाल लेकर के आती हैं, अबीर गुलाल केसर वाला, जो भगवान को निमंत्रण पत्र देने आती हैं नंदगांव के अंदर में। भगवान कृष्ण को बोलती हैं, हे ठाकुर आप होली में पधारना, जो हमारे यहाँ विशेष होली का पर्व मनाते हैं। वो 23 तारीख को मनाया जाएगा बरसाना में। पहले हम लोग बरसाना जाते हैं होली खेलने के लिए, जिसको बोलते हैं लठमार होली, लाठी मार। जो एक ग्वाला होता है उसके ऊपर ढाल होती है, ढाल के ऊपर में 10-10 गोपी लाठी मारती हैं बहुत जोर जोर से। और हम भी कहते हैं कि मारो, कितनी ताकत है आप में, कितनी शक्ति है, आप भी मारिए बहुत। क्योंकि ब्रजवासियों को एक महीने पहले ही थोड़ा शरीर में ताकत बनानी पड़ती है, घी खाना पड़ता है, शुद्ध गाय के घी का, उसी से थोड़ा एनर्जी आ जाती है। क्योंकि फिर दूसरे दिन बरसाना के लोग नंदगांव आते हैं होली खेलने के लिए, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ वही भाव है जो कृष्ण और राधा का भाव है, अबीर गुलाल का। आज भी हमारे यहाँ नंदगांव बरसाने में कोई भी संबंध नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है किसी भी जाति में, क्योंकि 6000 वर्ष हो गया आज तक ये उल्लेख है, वर्णन है, आज तक नंदगांव बरसाने में कोई भी शादी विवाह नहीं हुआ है किसी भी जाति के अंदर में। क्योंकि अगर शादी विवाह हो जाएगा तो एक भाईचारा हो जाएगा, भाई और बहन का संबंध हो जाएगा बच्चों में। इसलिए हमारे यहाँ जो कृष्ण और राधा का प्रेम मिलन हुआ ना, जिसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, आज के युग की भाषा में बोलते हैं उसको कोर्ट मैरिज, जो ब्रह्मा जी ने कराया था
प्रेम सरोवर गाजीपुर में, संकेत मन में। संकेत माने इशारा। राधा रानी वहाँ से आती थी और भगवान कृष्ण नंद गांव से जाते थे, तो ब्रह्मा जी ने संकेत वन में उनका प्रेम मिलन किया है। तो आज भी वो होली का अटूट बंधन है। नंदगांव और बरसाने वाले जो ब्रजवासी हैं वही संबंध है साले और जीजा जी का। जैसे घर में कोई साला रहता है, हंसी मजाक करते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ नंदगांव का कोई भी लोग बरसाना चला जाएगा ना, किसी भी जाति का मनुष्य हो, कोई भी भक्त हो, उसको हमारे यहाँ सबसे पहले उसको साला बोल के जाएगा। हम लोग जाएंगे बरसाना, सबसे पहले उसको कहेंगे, ए साले किधर जा रहा है, इधर आ जा। ये ब्रज की भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो समझ जाएगा, क्योंकि ये नंदगांव का रहने वाला है। नंदगांव में जो होली का उत्सव मनाया जाता है ना, वो हमारे यहाँ कृष्ण को गोपी निमंत्रण देने के लिए आती है, कृष्ण बलराम को। ये नंद बाबा का पूरा फैमिली का दर्शन है, जो होली में सब गोपी परिवार को निमंत्रण देने जाती है। बड़े नंद बाबा हैं पगड़ी पहने हुए, बड़ी यशोदा मैया है, बीच में दोनों भाई कृष्ण बलराम हैं जो बंसी बजाते हैं, साइड में राधा रानी का दर्शन है, ससुराल भाव से घूंघटे में, जैसे मर्यादा में रहती है घर में बहू बेटी रहती है। इधर के कोने में दो खेलने वाले सखा हैं। ये नंद बाबा का पूरा फैमिली दर्शन है, जो होली के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो गोपी उनको वहाँ होली खेलने के लिए बुलाती हैं। तो भगवान कृष्ण ने जो भी होली का उत्सव रचा है वो हमारे नंद गांव में रखा है। बरसाना श्री जी मंदिर में सबसे पहले लड्डू होली की जाती है। लड्डू छोटे छोटे लड्डू होते हैं, उसको फेंक फेंक के मार मार के सब भक्तों में लड्डू से होली खेली जाती है। तो ये ब्रज की जो गाली है बड़ी प्रसिद्ध है। ब्रज की गाली से ही भगवान कृष्ण खुश होते हैं, भक्त लोग खुश होते हैं। बरसाना में जितने वैष्णव भक्त लोग रहते हैं ना, साधु संत लोग, वो भी कहते हैं, भाई लाला एक बार गाली दे के दिखा दे। तो हम भी कह देते हैं उसको, अरे मुड़ा बाबा जी तू का कर रो है, होली खेल में जाबोगो कि ना जाबोगो, ऐसे कुछ शब्द माँ बोले जाते हैं भगवान कृष्ण के सामने में। और अभीर गुलाल, अभीर गुलाल जो होता है उसको थाला भर करके एकदम फेंक दिया जाता है, जो भक्तों के ऊपर वो कलर लग जाता है। तो ये भगवान कृष्ण की अनेक प्रकार की वहाँ होली होती है। ब्रज का एक रसिया सुनाता हूँ आपको, होली का, होली का रसिया भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध है। जो भगवान कृष्ण ने होली का रसिया बोला है, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, अपने अपने मंदिर सो निकली, अपने अपने घर सो निकली, कोई सामल कोई गोरी रे रसिया, कोई सामल कोई गोरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया। फिर कौन गांव के थे जो होली खेलने जाते हैं, नंद गांव के ब्रजवासी भगवान कृष्ण। कौन गांव के कोमर कन्हैया लाला, कौन गांव के कोमर कन्हैया, कौन गांव राधा गोरी रे रसिया, कौन गांव राधा गोरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया, आज विरज में होरी रे रसिया। नंदगांव के ब्रजवासी है ना, तो उनको सखा रूप भगवान का रूप माना गया है, क्योंकि हमारा जिस दिन होली का उत्सव होता है उस समय कृष्ण का रूप देखा जाता है सब ब्रजवासियों को, जितने भी ब्रजवासी नंदगांव के होली खेलने जाते हैं। नंदगांव के कोमर कन्हैया लाला, नंदगांव के कोमर कन्हैया,
बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। फिर उसके बाद इतना गुलाल उड़ता है, इतना गुलाल उड़ता है, जो बादल भी होते ना तो वो रंग बिरंगे हो जाते हैं आज भी हमारे यहाँ। उड़ते गुलाल लाल भय बादल, उड़ते गुलाल लाल भय बादल, मारत भर भर जोरी रे रसिया, मारत भर भर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। शाम के हाथ कनक पिचकारी लाला, काना के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ कबूरी रे रसिया, राधा के हाथ कबूरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। चंद सखी, जो चंद सखी थी ना वो भी बड़ा आनंद ले रही थी ऊपर आकाश से, वो भी देख रही थी कि होली ब्रिज की बड़ा प्रसिद्ध बड़ा सुंदर प्रसंग है होली का। चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छब, चंद्र सखी बजबाल कृष्ण छब, चिरजीवो ये जोड़ी रे रसी। उनको आशीर्वाद दे रही है कृष्ण राधा को, सखी कह रही है कि ये जोड़ी बनी रहे, कभी भी यहाँ समाप्त नहीं हो। चिरजीवो ये जोड़ी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। तो आज हमारे यहाँ जो होली मनाई जाएगी 23 और 24 मार्च को मनाई जाएगी, उसमें क्या होता है, उसमें सभी देवतागण उस होली को देखने आते हैं आज भी हमारे यहाँ नंदगांव बरसाने में, क्योंकि वो रंग भावुक रंग ऐसा रंग कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि उस समय आज भी हमारे यहाँ ऐसा नियम है, सूर्य जो अस्त होता है ना होली से पहले, जो सूर्य अस्त होगा वो पहले छिप जाएगा, पर लेकिन ऐसा वर्णन लेख है आज भी हमारे शास्त्रों में, सूर्य भगवान तब अस्त होते हैं उस दिन होली के दिन, वो भी होली देख करके बाद में अस्त होंगे, ऐसा भगवान का लेख है। क्योंकि वो ब्रज की जो रज है वो भी एकदम कलर में बदल जाती है, अगर किसी ब्रजवासी को उस दिन लाठी से कोई चोट भी लग जाएगी ना तो उसको डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन उस ब्रज की ही रज का सबसे बड़ा महत्व है। किसी के लग गया अलग के होकर के तो वो ब्रज की रज लगाने से ही ठीक हो जाता है। तो भगवान का जो होली उत्सव है ना प्रभु, बड़े भाग से मिलती है, ऐसा होली का उत्सव आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप लोग से यही मेरा निवेदन है, जितने भी वैष्णव जन हैं एक बार ब्रज की होली देख लिया ना ऑल इंडिया की होली भूल जाओगे। श्री राधे राधे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel and for getting updates, press the bell icon.